फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा आपका इस चैनल में। फ्रेंड्स, द्वारकाधीश के दर्शन के बाद अब हम करेंगे द्वारका में एडवेंचर। अभी हम जा रहे हैं सुदामा सेतु पे, जहाँ की फीस जो है 10 रुपये है। यहाँ पे आपको एंट्री करने से पहले 10 रुपये की टिकट लेनी होती है, और टिकट लेने के बाद अब हम एंट्री कर रहे हैं सुदामा सेतु पे। काफ़ी भव्य दृश्य यहाँ से दिखाई देता है द्वारकाधीश का, और यहाँ से जो बीच का रास्ता है वो सामने ही है, और जो वाटर है वो काफ़ी क्रिस्टल है और काफ़ी साफ़ है। यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एडवेंचर होते हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दृश्य है यहाँ का, बेहद अच्छा है और काफ़ी घूमने वाली जगह है, और एक बार ज़रूर आप यहाँ पे आएँ। हाय गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे का, आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। और अभी जस्ट मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, और स्कूबा डाइविंग करेंगे, और भी कई सारे स्पोर्ट्स हैं आप पीछे देख सकते हो, मेरे बैलून्स है वो भी करेंगे, नाम नहीं पता, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा रहेगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर होती है स्कूबा डाइविंग, और देख सकते हैं ये द्वारकाधीश के जस्ट सामने सुदामा सेतु के पास का जो बीच है वो है, और काफ़ी शांत, एकदम समुंदर का नज़ारा एकदम शांत, और काफ़ी आकर्षण का केंद्र मतलब है ये एरिया, और भगवान श्री कृष्ण की कैपिटल के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए थे मथुरा छोड़ के, द्वारका में इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में इसे स्थापित किया था, और आज भी इसके अवशेष हैं यहाँ पे जो मिलते हैं। काफ़ी प्राचीन शहर है, अगर ऐसा अगर आप समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं वाराणसी, अवंती का, अयोध्या, मथुरा, और ये जो जितने भी प्राचीन शहर हैं उनमें से एक ये द्वारका भी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, शांत एकदम माहौल है, और बीच का मजा, एडवेंचर होते हैं आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम है जब मैं भी किसी बीच में आ रहा हूँ, शांत माहौल है यहाँ का एकदम, एक बार आप भी जरूर। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, मैंने अभी पैरासीलिंग करी है, अब इसके बाद हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, और ये स्कूबा डाइविंग यहीं पे ही होगा, इसी बीच पे आगे जाके समुद्र के किनारे से, और काफ़ी अच्छा लगेगा। आइए चलते हैं, स्कूबा डाइविंग का मज़ा लेते हैं। अभी जस्ट अब मैं यहाँ पर ड्रेसअप वगैरह चेंज कर रहा हूँ, और पूरा लगभग चेंज हो गया है, अब इसके बाद हम स्नोकिंग करेंगे जो पानी में होता है।
फाइनली हम जा रहे हैं अब स्कूबा डाइविंग करने, प्रैक्टिस हो चुकी है पूरी हमारी और हम जा रहे हैं। और ये हमारे भाई लोग हैं, फ्रेंड्स हमारे, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी रोमांच से भरा हुआ भाई और बोट आ गई हमारी। काफ़ी अच्छा लगा जब मैं पानी के अंदर था तो बेहद अच्छा लग रहा था, आपने देख सकते हैं आप। अब स्कूबा डाइविंग के बाद अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा घूमते हुए। काफ़ी अच्छा लगा और स्कूबा डाइविंग करते हुए काफ़ी मज़ा आया। जब समंदर के अंदर जब मैं पहली बार गया स्कूबा डाइविंग तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ देखी जो पहली बार था और अनबिलीवेबल था मेरे लिए। और फर्स्ट टाइम था जब मैं ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ। ये कई बार रिस्की भी हो सकता है लेकिन हाँ, आप इसे अपने रिस्क पे ना करें, ठीक है। अपने सेफ्टी जो गाइड होता है उसके साथ जरूर जाए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अकेले चले जाते हैं क्योंकि वो रिस्की हो जाता है। काफ़ी अच्छा लगा।
अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं, बीच में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। उनसे जानने के बारे में कोशिश करेंगे, जानते हैं कि इस बीच में क्या है जो अलग है बाकी बीचों से, और क्या क्या यहाँ की खूबियाँ हैं और इतिहास क्या है बीच का। ये यहाँ के लोकल भाई, भाई आपका गुड नेम? मेरा नाम नीलेश है। नीलेश, नीलेश भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोकल लोकेलिटी के बारे में कितना प्राचीन शहर है ये, और इसके बारे में कि जो काफ़ी इतिहास इसके बारे में हमने सुना है, काफ़ी अलग चीज़ें यहाँ पे द्वारका में। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का कैपिटल के रूप में इसे जाना जाता है, और यहाँ पर मंदिर भी है द्वारकाधीश में, काफ़ी पुराना मंदिर है, आप देख सकते हो पीछे मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। नीलेश भाई, क्या है यहाँ का इतिहास, पता नहीं हो रहा? ये अरब सागर समुंदर है, आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, हाँ वो अरब सागर समुंदर है, और वो मंदिर भी है, टेंपल भी है आपके सामने कृष्ण जी का, वो 5000 साल पुराना मंदिर है। ये 5000 साल पुराना मंदिर है, उसके पहले ये सोने का मंदिर था, ये सोने का नगरी बोलते थे उसको द्वारिका। अब ये भगवान विश्वकर्मा ने बनाया हुआ है, एक रात में ये मंदिर खड़ा किया हुआ है, जो आपके सामने दिख रहा है उस तरफ, तो मंदिर 6 महीने की एक रात में खड़ा किया हुआ है, भगवान विश्वकर्मा ने बनाया हुआ है। और ये अरब सागर समुंदर है, ये अच्छा बीच है, ये सामने किनारे वाला बीच बोलते है उसको। यहाँ सब एडवेंचर भी होते है, यहाँ पैराशूट भी होता है, स्कूबा ड्राइविंग भी करते हैं, बहुत सारे आपको आदमी भी दिखाई देंगे। अर्थ स्कूबा ड्राइविंग है, अर्था पैरासीलिंग हो रहा है इस तरफ, हाँ। और वहाँ पे 5 पांडव के मंदिर है, जहाँ चारों तरफ समुंदर है, बीच में मीठा पानी है, पांचों का पानी अलग अलग टेस्ट हो रहा है, सब यात्री वहाँ पानी भी टेस्ट कर रहे है। पांचों भाई है, भीम अर्जुन युधिष्ठिर, ऐसे 5 भाइयों है, इसका पानी भी टेस्ट करते है सब यात्री, यहाँ पे आते है घूमने के लिए वो सब। और यहाँ की जो फेमस डिश है खाने के बारे में, हाँ यहाँ पे खाने की डिश हो गाठिया है, जलेबी है, वो सुबह नाश्ते में लेते हैं, और गुजराती खाना भी होता है, सब्जी रोटी चावल दाल वगैरह, वो फेमस है हमारे। मैंने सुना कि गुजराती लोग मीठा खाने में ज्यादा पसंद, हाँ मीठा खाने में बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, वो स्वीट खाते हैं बहुत। तो ये थी यहाँ की जो इतिहास था, इन्होंने भाई ने बताया, काफी अच्छा लगा भाई मिलकर। अब हम थोड़ा बीच पे घूमने वाले हैं, और आप भी एक बार जरूर आए यहाँ पे, यहाँ की चीजें आप एक बार समझे, काफी कितना पुराना देख सकते हैं, जो गोमती रिवर का पानी है, मैंने जैसे बताया आपको द्वारका शहर के टाइम पे, लेकिन ठीक सामने ये पानी दोबारा से आ जाता है, ये सब काफी पुराने शहर है, ये प्राकृतिक रूप से होता है, और आप देख सकते हैं जब सूख जाता है पानी तो कैसा लगता है यहाँ का दृश्य। तब भी इसकी जो आकृति है, जो इस पानी का साफ पानी की जो क्वालिटी है, वो तब भी नहीं मिटती। और सामने द्वारकाधीश मंदिर आप देख सकते हैं, भव्य एकदम से जो दृश्य दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा है। एक बार आप द्वारका जरूर आए, और कम से कम बजट में आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो मेरा बजट था वो 15,000 था, और 15,000 में मैंने फुल एक्टिविटीज़ करी, काफ़ी अच्छा लगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करिएगा, धन्यवाद।